अरे नहीं Hello everyone, what's up? My name is Andrew Flo and welcome to my channel. So this is our first day in Goa. और आप लोग को तो पता ही होगा हमारी हालत क्या थी last vlog में, कि हम किस हालत में आके सोए थे होटल में. अभी मुश्किल से कुछ 4 या 5 घंटे की नींद हुई है एंड वी आर ऑल सेट, वी आर ऑल रेडी टू गो एंड पार्टी हार्ड. क्या बोलते रुचि दवे? नींद में हो तो सब नींद में, बाकी क्या, अभी गोवा आए तो घूमना तो पड़ेगा. तो अभी वी आर प्लानिंग टू गो टू क्लबिंग और प्रॉब्लम ये है कि जो मेरा कैमरा का इतना बड़ा सेटअप है उसको मैं कैसे कैरी करूँ. बैग लेके जाऊँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, वो सब जगह पे बैग लेके जाने का अजीब वाइब देगा. तो ये कैमरा मैं कैसे कैरी करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है. हो सकता है वो वाला पार्ट मैं सिर्फ फ़ोन से शूट करूँ तो थोड़ा क्वालिटी ऊपर नीचे होगा. सामान लेना भाई, आँखें नहीं खुल रही, देखो मालूम है बहुत ज़्यादा नींद आ रही है. क्यों ऐसा देखो नहीं पता. अरे बेचारा ड्राइव किया अभी इतना नींद तो आया. ऑब्वियसली देख ना, 12 घंटा मैं ड्राइव किया वो भी बिना सोए. तो घर पे रहना चाहिए था ना. बहुत क्यों गाइस, ये पूरा प्री प्लान किया इसने, सब पूरा डाल प्री प्लान किया बट प्री प्लान में कुछ प्लान ही नहीं हो पाया. ऑलराइट तो फाइनली हम निकल रहे हैं यहां से. कहां जाएंगे? ये सेम डायलॉग तेरे ब्लॉग में मारे. डू चेक ऋषि द वेज ब्लॉग. मेरा ब्लॉग आएगा इसके 2 ब्लॉग के बाद. क्या हुआ? कौन कुछ बोला? चलो ऑल सेट रेडी. सी माय लुक. ओ ये एकदम टिपिकल गोवन बन के चल रहा है. बाकी हम लोग का डिसाइडेड नहीं हम लोग कहाँ जाने वाले. निकल के देखेंगे, कोई अच्छी जगह दिखी तो वहीं घुस जाएंगे. तो मेरे पास अपने गोवा का ट्रिप स्टार्ट करने के लिए कुछ है. क्या है गेस करो? एक्टिवा. गेस करो. ओ आप टी बम. शिट देना मेरे को भी बोलता है. देना एक मिनट. दे मेरे को भी दे. इतना थोड़ा सा इसमें और दे. अरे नहीं मैं भी चाहता हूँ थोड़ा. क्या बोला? कंप्लेंट होगी. कोई आया? व्हाट्सअप. तो मतलब हम इतना घूमते स्कूटी पे, लेकिन गोवा में स्कूटी पे घूमने का अलग ही मजा है जो हम नेक्स्ट लेवल. इतना चला रहा है, मेरे को जरा भी भरोसा नहीं है क्या होने वाला है. क्या एकदम ऐसा बोला ना उसने, सिगरेट जैसा. नहीं मजा आ रही है ना भाई, सीरियसली बाइक चलाने गोवा में मतलब भाई. बट तू क्या बोल रहा है, तू तो चला ही नहीं रहेगा. अरे लेकिन भाई मैं तो सबसे मेन मजे मेरे हैं, कुछ नहीं करना है, पीछे बैठ के सोच क्योंकि मैं नहीं चला रहा हूँ. तो इतना मजा आ रहा है. Alright guys, so we are outside Las Olas. This is Las Olas. पता नहीं आवाज आ रही रहेगी कि नहीं, but it is one of the best club बोल सकते कि नहीं पता नहीं, one of the best cafes in Goa. बहुत ही happening vibes है यहाँ पे.
गुड मॉर्निंग गाइस, कल रात में हम लोग वो केप टाउन कैफे और लास उलास में थोड़ा पार्टी करने के बाद एक्टिवा पे थोड़ा घूम फिर के बहुत ही ज़्यादा लेट नाइट घर पर पहुँचे और इतना ज़्यादा थक चुके थे कि सो गए फट से। और अभी कुछ एक बज रहा है, एक बजे के करीब करीब हम लोग उठे। वो भी उठने का रीज़न ये कि हमारे ऊपर जो फ्लैट है उसकी बैल्कनी में बैठ के कोई ज़ोरों शोरों से गाने बजा रहा था, तो उसके वजह से उठना पड़ा। अभी लगी है ज़ोरों शोरों से भूख और ये बनाने वाला है मैगी। नहीं, मैं मैगी नहीं बनाने वाला हूँ। हम सोच रहे नीचे जाके कैफेटेरिया से कुछ खा लेते हैं। तो लेके आ कौन जाएगा, मैगी बनाएगा, खाएगा, बर्तन धोएगा, दिमाग खराब बर्तन अबुन के धोएंगे, पागल हो गया क्या? हाँ बर्तन अबुन नहीं। अच्छा, मुझे अब तक लग रहा था अपने अपने घर पे है ना, हमारे घर पे हम खाते हैं तो बर्तन कोई नहीं धोता, फिर एंड में मेरे को धोना पड़ता है। चलना कहाँ कैफेटेरिया से कुछ खा के आते हैं। कहाँ है कैफेटेरिया? यहाँ पे ही है, उसने बताई है मेरे को रास्ता। क्या कैफेटेरिया? कैफेटेरिया तो वो गेंडू क्यों बोल रहा था? गेंडू की छोड़ ना, गेंडू की। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कैफेटेरिया और वो दोनों सो रहे हैं, और वो दोनों सो रहे हैं भरपूर, और हम लोग की नींद खराब हो गई, सर दुख रहा है। पक्का है ना भाई? तू देख, अब यहाँ से लिफ्ट पकड़ना है। पहली बार आया था गोवा। तो विशाल पांडे ने बोला था कि नीचे हम लोग को बैठ के खाने के लिए कैफेटेरिया है, क्या हुआ? हो गया ना अपना फायदा, तो कितना दिमाग खराब था। बाकी ये बात अच्छी है कि अभी अपने रूम पे आएगा नाश्ता, अपने रूम पे आएगा नाश्ता। राइट, ऑलराइट, ऑलराइट। सो नाश्ता आ चुका है। दिस इज पोहा, दिस इज उपमा, दिस इज ये क्या है रे? दिस सांभर, सांभर एंड दिस इज डोसा। और खाने की स्मेल सुन के ऋषि भी उड़ गया। हाँ बात तो सही है। तो हम लोग उड़ गए, ऋषि भी उड़ गया, ये भी उड़ गया, एक ही बंदा बचा है, तो उसका इलाज हम यहाँ निकालते हैं। उसका इलाज हम आप्टी बॉम्ब से करेंगे। आप्टी बॉम्ब से करेंगे, उसके ऊपर टड़ा टड़ा के। हम लोग उसको देख के अच्छा नहीं लग रहा है, सो रहा है बिल्कुल। चलो चल चल। उठ उठ। All right, so we are all set for tonight. चलो चलो चलो। टाइम पास नहीं करेंगे, एक एक दूसरे की चार लोगों ने एक दूसरे की फोटो खींच लेना, टाइम पास नहीं होना चाहिए इसलिए जल्दी निकल लेगा हमेशा फोटो। मेरे वजह से थोड़ी हुआ, मेरी वजह से भी नहीं हुआ। ऋषि यार, ऋषि आइए। ऑल राइट, तो हम लोग तैयार होके यहाँ पे फोटोशूट चल रही है, पीछे आप लोगों को दिख रहा रहेगा। और निकल देखो कब रहे, सनसेट के बाद। सनसेट हो चुका है पता है, ये लाइट लास्ट की लाइट से बस ऐसा गोवा एक्सप्लोर करेंगे। आलस आलस। सो प्लान तो ये है कि हम एक पंजिम, कहाँ पे वो कैफे कहाँ पर है? अंजुना में एक कैफ़े है जो कि बहुत ही चिल जगह है। वहाँ पे लास्ट टाइम हम लोग जब गोवा आए थे, जब वहाँ पे बहुत मज़ा आई थी हम लोगों को। ऐसा कुछ ढिंचैक नहीं है, बट चिल सीन्स है वहाँ पे। तो हम लोग का प्लान है अभी थोड़ी देर वहाँ बैठने का, फिर उसके बाद रात में विल गो टू शिवास वैली। एक गलती है जो मुझे बाद में रियलाइज़ होती है, मैं ऐसे ढीले ढाले कपड़े पहन के बाहर निकल जाता हूँ और ये भूल जाता हूँ कि रात होने के बाद। मैं भी कॉटन टी शर्ट पहन के आया, मैं क्या पहना हूँ ये। बाकी अभी तो हम जा रहे हैं अर्जुना कैफे, वो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ पता नहीं वो कैफे के लिए, क्योंकि इतना चिल प्लेस है ना वो, उसमें कुछ ऐसा ढिंचैक विंचैक है नहीं, बट वो जगह ही इतना, उसका वाइब इतना कुछ अलग है ना, सही है बहुत। सो वी रीच अर्जुना कैफ़े, और ये कैफ़े में हम लोग जब लास्ट टाइम आए थे तो ये सब आर्ट लगा के रखा है इन लोग ने फॉर सेल है ये सब। जैसे ये है गोल्डन मंडाला किरण कारीगर का 2500 का। तो यही वो झूला था जिसपे हम लोग चिल कर रहे थे लास्ट टाइम। एकदम मेमोरीज रिकॉल हो गया यार, लॉकडाउन से पहले, कोरोना से पहले का ये सीन था और अभी कोरोना के बाद।
क्या चिल प्लेस है यार ये। चीयर्स एवरीवन। क्लीशे। और ये बंदा क्लीशे बोलते हुए मेरे को देजा वो हो रहा है। मेनस्ट्रीम लास्ट टाइम वाला ना एटीट्यूड वाले बच्चे। ये पीछे पीछे ये बच्चे जो दिख रहे हैं तब ऐसी गाइस गाइस कर रहे हैं हम लोगों गाइस जिल्लत तो गए भाग गए। देखो याद है ना ऋषि कैसा हराया था देखो मैंने लोनावला में। आजा अभी एनी टाइम रेडी हार जाएगा तू। आजा चैलेंज दे दिया इसने मेरे को। घोड़ा कहाँ है उज्जवल? घोड़ा कहाँ है? घोड़ा 5 पॉइंट्स की मैच है फटफट। ये पॉइंट होता है अरे फोर ऑल लास्ट पॉइंट है। Revenge taken. She's one. We finish session. गोवा में आने के बाद ये जो कैफेज और ईटरीज होती है ना यहाँ का अलग ही कुछ वाइब रहता है। जैसे ये प्लेस है, ये प्लेस का नाम है क्या बियॉन्ड डोसा। और हम लोग ने यहाँ पे साउथ इंडियन थोड़ा सा डिशेस खाए, इडली डोसा। इसने कौन सा डोसा खाया तुमने? शेजवान डोसा मस्त था, मज़ा आ गया। और यहाँ बैठने भी मज़ा आएगी। दिखा हट दिखा दिखाऊंगा अभी पूरा सेक्सी हट। वहाँ पे मैंने ग्रिल बनाया। सही है। डे टू गोइंग गुड। ऑलराइट एवरीवन, सो आई गेस दैट्स प्रीटी मच इट। यहाँ पे वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है। बट डोंट वरी, अभी भी गोवा का बहुत सारा कॉन्टेंट बाकी है, आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने मिलेगा। एंड आई एम रियली सॉरी लास्ट व्लॉग एक दिन लेट हो गया था बिकॉज यहाँ पे इंटरनेट का इतना इशू है और गोवा एक्सप्लोर करना और नींद वो सब मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था। तो वो वीडियो उस दिन अपलोड नहीं हो पाया इंटरनेट की वजह से, तो एक दिन लेट हो गया। एंड आई गेस आगे चल के भी ये प्रॉब्लम मुझे आएगी यहाँ पे रहने में, तो प्लीज़ डोंट माइंड। बट आपको वीडियो तो मिलता रहेगा, भले ही एक दिन लेट या थोड़ा उसी दिन थोड़ा लेट, बट वीडियो तो आएगा। सो अभी ये वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं और अभी फट से देते हैं शाउट आउट। ऑलराइट, सो शाउट आउट टू कृतिका बाला सुब्रमण्यम एंड वेदांत तरमले। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग और ऐसे ही अपना प्यार बांटते रहो। अगर आपको भी नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट चाहिए तो इट्स सिंपल, गो फॉलो मेन इंस्टाग्राम, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड चलो अच्छा सा कमेंट करो तो आपको भी नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट का चांस मिल सकता है। सो प्लीज डू इट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। Since I pick up the microphone, I'm hotter than brimstone. The razor sharp, crossbow accurate, and drop the multiverbal milligram supplement. Plus, भाई साहब क्या जगह है यार ये, मतलब नींद बर्बाद करके हम लोग यहाँ आए हैं। बट वर्थ इट था, इसने जबरदस्ती लेके आया। Que dure siempre esta casualidad, es que los otros no entenderán.